नमस्कार, कोरोना विशेष में स्वागत कर छी। हम अजय शाह शिवाली। पिछला समय में प्रदेश दू के जो बात करी तो प्रदेश दू में कोरोना के संक्रमण बढ़त गेल छै। जखन बात अखनका बात करी तो समुदाय में कोरोना के संक्रमण देखल गेल है। तै दुआरे सप्तरी के राजविराज आ परसा के बीरगंज में निषेधाज्ञा लागू कयल गेल छै। समुदाय में कोरोना देखला लगे संक्रमण के जोखिम कही कोरोना के जोखिम बढ़त गेल छै प्रदेश दू में। पिछला अखन धरि के बात करी तो 12 गोटे के प्रदेश दू में निधन भ गेल छै कोरोना के कारण से। देश भर में 51 गोटे के निधन भेल छै, ताहिमे 12 गोटे प्रदेश दू के रहल छै। प्रदेश दू में सबसे बेसी संक्रमण सप्तरी में देखल गेल है। सप्तरी में 158 गोटे छै आ परसा में दोसर सबसे बेसी परसा में 145 गोटे ओतय संक्रमित रहल छै। प्रदेश दू में जै हिसाब से समुदाय में कोरोना के संक्रमण देखल गेल है, बढ़त जा रहल छै, तऽ आब के अवस्था की रहतै? लॉकडाउन के आवाज सेहो उठ रहल छै कि लॉकडाउन आओर जिला सब में सेहो लगाओल जाए, प्रदेश दुए में लॉकडाउन कयल जाए, से आवाज सेहो उठ रहल छै। लॉकडाउन कतेक जरूरी छै आओर व्यवस्थापन के काज, जे सब कोरोना संक्रमित छै हुनका सबके व्यवस्थापन के काज अखन केना कऽ चलि रहल छै, यावत विषय में बातचीत करब। आइ जुड़ल छै प्रदेश नंबर दू के स्वास्थ्य निर्देशनालय के सह निर्देशक विजय कुमार झा। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। झाजी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। समुदाय में संक्रमण बढ़ गेलै, जोखिम कोरोना के जोखिम ओहि अनुसार से बढ़नाइ स्वाभाविक छै। अखन के अवस्था के अहाँ सब केना कऽ टैकल कऽ रहल छी? हाँ, निश्चित रूप से अखन टेस्ट सब जे छै से बढ़ि रहल छै। श्रावण में सहित में जे छै से अपने के जमा 3 केस रहे 27 करके से अंतिम छठ तक। एक बाद जेठ में जे छै से 19 केस भेलै। आषाढ़ में 1897 केस भेलै और अखन तक जे छै से 600 से बेसी केस श्रावण में 1 गते से अखन तक जे छै से भऽ चुकल छै। एम्हर आबि कऽ माने केस सब जे छै से बढ़ लागल छै। एहि के कारण जे छै से बहुत सारा कारण सब भऽ सकैए। किछु लोक जे छै से अब रिलैक्स भऽ गेलै ताहि बीच मे, लॉकडाउन भी हटि गेलै, तऽ लोक मे एकटा एक किसिम के रिलैक्सेशन एलै, एक किसिम के जेकि जे कोरोना अब धीरे धीरे अब समाप्त भऽ जेतै ताहि टाइप के जे छै से एकटा सोच एलै। और करीब बाजार सब मे भी भीड़ भाड़ होबय लगलै, आदमी के चहल पहल होबय लगलै, मास्क जे छै से बढ़िया से प्रयोग नहि भेलै, मास्को के बढ़िया से अपनो बाजार में बहुत गोटे मास्क नहीं लग गई छत। तो ये सब कारण सबसे आदमी के मूवमेंट सब से बढ़ गए, रिलैक्सेशन लॉकडाउन से फिर अथी भ गए, मानी बंदाबंदी ओवर भ गए, लॉकडाउन ओवर भ गए, ये सब कारण से केस सब बढ़ लगे और केस से अखन केस जी। अब ऐसे पहलका बात करी, जे सब क्वारंटाइन में छले हुनका सबके पीसीआर टेस्ट होइ छले ने, ताहिके बाद कोई संक्रमित भेटला पर हुनका सबके आइसोलेशन में राखल जाइ छले, तऽ अहाँ सबके ई अनुमान रहै कि नहि रहै? प्रदेश दू सरकार के तैयारी वास्तव में की रहै कि समुदाय में सेहो कोरोना फैल सकैए, एहन किसिम के अनुमान अहाँ सब पहले केने रहिए या नहि केने रहिए, या अपर झट एहन किसिम के अवस्था एलै आ ओहि अनुसार के तैयारी अहाँ सबके करऽ पड़ि रहल? हाँ, ओना तऽ हमसब जे छै से तैयारी पहले ही से कऽ रहल छलहुँ। जना कि सब गोटे के मालूम है, देखी जे चैत में जहन जे छै से शुरुआते के अवस्था में हम सब जे छै से तैयारी में जुटलहुँ, माने आइसोलेशन के तैयारी भेलै, क्वारंटाइन के तैयारी भेलै। 25-30 हजार जना जहाँ तक हमरा मालूम है जे कि 25-30 हजार लोग सब जे छै से बाहर से एलै, ओकरा सबके अपर झट जे छै से क्वारंटाइन में राखे के व्यवस्था भेलै। ओते केस एतै से पहिलहु से अनुमान नहि रहै, लेकिन जे छै से तैयारी में तो पूर्णतः जुटले रही। क्वारंटाइन काफी से काफी क्वारंटाइन सबके व्यवस्था बनलै, क्वारंटाइन बेड बनलै, आइसोलेशन जे छै से आइसोलेशन बेड सब, आइसोलेशन वार्ड सब जे छै से व्यापक रूप में जे छै से आइसोलेशन वार्ड सब सेहो जे छै से बढ़लै। पहले बात कथी तऽ ई बीच में जहन मने केस सब जे छै से कम होबय लगलै, लोक में एकटा ई भेलै जे कि जे माने केस
कम भ रहल छै, पॉजिटिव केस सब कम आबि रहल छै, तऽ जेना हम बतेलहुँ जे एक किसिम के तैयारी तऽ पहिलेसँ रहबे करै, और जते भी केस एलै तऽ माने आइसोलेशन फुल जे छै से जतेक हमसब आइसोलेशन के 2200-2300 धने रहने जे छै से 3000 पर जे छै से पहुँच गेलै, जे छै से आइसोलेशन बेड सब क्वारंटाइन के जे छै से काफी बनलै, कभियो जे छै से क्वारंटाइन फुल तऽ नहि भेलै, जहिना जहिना केस बढ़ित गेलै तहिना तहिना क्वारंटाइन और आइसोलेशन की व्यवस्था हमसब करैत गेलहुँ, से भेलै, लेकिन एकाएक केस सब भी जे छै से कम होबय लगलै, तऽ अखनो क्वारंटाइन और आइसोलेशन बेड के जे छै से अभाव नहि छै। एकटा तऽ बात ई छै कि पहिले संक्रमित के संख्या अत्यधिक रहै नहि, एक हफ्ता पहिलका बात करी तऽ बहुत घटि गेल रहै संक्रमित के संख्या, लेकिन ई एक हफ्तासँ बढ़ऽ लगलै जहियासँ समुदायमे चलि गेलै कोरोना नहि। तऽ जाहि हिसाबसँ अपने कहलियै कि आइसोलेशन बेड के बात करी, क्वारंटाइन बेड के बात करी अत्यधिक छै, जाहि हिसाबसँ संक्रमित बढ़ैत गेलै ओहि अनुसारसँ व्यवस्थापन होइत गेलै, जँ अखनका बात करी तऽ एकटा उदाहरण अपनेके दै छी, वीरगंजमे मात्रे 50 बेड के आइसोलेशन वार्ड छै, जबकि ओहिजँ करीब करीब 150 के संख्यामे संक्रमित छै, आ बाँकी सबके कहल गेल छै कि अहाँ सब होम आइसोलेशनमे रहू। एखनो डाटा जे प्रदेश दू निर्देशनालयसँ आयल छै तऽ ओहिमे 2237 आइसोलेशन बेड छै आइके डेटमे। तऽ हम अपनेसँ ई बुझऽ चाहब कि आब संक्रमितके जँ बात करी तऽ प्रदेश दू कहने छै 5-4 गोटे अखन संक्रमित छै प्रदेश दूमे, मात्रे 5-4 गोटे, यद्यपि केन्द्र सरकार जे डाटा दैत आबि रहल छै ओ 1982 देने छै, मतलब 4 गुना बेसी दऽ रहल छै। तऽ अपने सबके ऑथेंटिक डाटा अगर मानल जाए तऽ 5-4 गोटे संक्रमित छै प्रदेश दूमे, लेकिन आइसोलेशन बेड के अभाव वीरगंज में देखल जा रहल छै, एना किया तब? और बेड तो खाली होके चाहिए। आइसोलेशन जे छै ने, आइसोलेशन जे छै से वीरगंज में आइसोलेशन जे छै से पहले नारायणी में रही चले, एकर बाद जे छै से गंडक अस्पताल में अखन जे छै से नारायणी अस्पताल संचालन कर रहल छै महानगर पालिका के सहयोग अस्पताल बात कथी जे परसा जिला में, लेकिन अन्य जगह पर जे छै से आइसोलेशन सब तो छै, जेना कि जे छै से बहुत जगह जे छै से आइसोलेशन छलै, जेना कि माने सिद्धार्थ स्कूल में छलै आइसोलेशन, तो वही आइसोलेशन के अखन केस कम भेला के कारण तो जे छै से चलि गेलै गंडक में, और गंडक जहन फूल भ जेतै तो ऑलरेडी सिद्धार्थ छलै, हमसब तो ओहो बेग सब जे छै से जोड़ै छी जे ऑलरेडी सिद्धार्थ में जे छै से, लेकिन जे सब संक्रमित छै हुनका सबके कहल जा रहल छै कि अहाँ सब घर में रहू। हाँ नहि तो ई बात छै कि माने एहिसँ पहिले जे छै से घर में रह के लेल हम सब जे छी से हुनका सब के कहियो नहीं कहलियन पॉजिटिव केस के जे आहां सब घर में चल जाओ, जते भी पॉजिटिव केस एलै आप क्यों पर्सनल इंटरेस्ट ल के चल जाय छी घर में तो हम नहीं कह सकै छी, अदरवाइज नेपाल सरकार जे छी से माने जहन गाइडलाइन बनल छै तो सीधा कहल छै जे कि जे जते भी पॉजिटिव केस छी देशो सरकार हमू सब सब गोटे कहलियै जे कि पॉजिटिव केस जे होइ छै तहां आइसोलेशन में जाओ, अस्पताल द्वारा संचालित जे कोविड हॉस्पिटल छै कोविड के जे आइसोलेशन छै ओहि में जे छै से जाओ। अखनो बहुत लोग जे छै से की करै छै जे कि जे माने होम आइसोलेशन में जे छै से चल जाय छै, अब इहे सब कारण सब जे छै से ई केस बढ़ के एकटा फैक्टर ओहो भ सकैया, एकटा फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर। तो ई कहल जा रहल छै कि अभाव छै आइसोलेशन बेड के अभाव छै, तै दुआरे हुनका सब के डॉक्टर सलाह द रहल छै यहाँ सब होम आइसोलेशन में रहू। नहि हमरा विचार से जे छै से आइसोलेशन बेड के अभाव हम एहि लेल नहि कहि सकै छी जे कि जे आइसोलेशन सब जे छै से ओतेक ज्यादा वीरगंज में केस भेलै, बहुत ज्यादा केस सब एलै शुरू से बहुत केस एलै, नारायणी अस्पताल में राखल गेलै, नारायणी के बाद जे छै से सिद्धार्थ स्कूल में राखल गेलै, एकर बाद जे जहन केस सब घटैत गेलै तो ओहन अवस्था में जे छै से तहन भेलै जे कि जे चलू भाई आब जे छै से नारायणी के खाली कऽ के एकटा गंडक में ही हमरा सबके काम चलि जाए, तब आइसोलेशन के व्यवस्था तो ऑलरेडी छलै, एम्हर आबि कऽ जे छै से स्लैकनेस भऽ गेलै, एम्हर आबि कऽ जे छै से केस के नंबर ऑफ केसेस जहन घटऽ लगलै तऽ ओ जे छै से माने
खाती राख देल गेले जे छै से सिद्धार्थ आइसोलेशन के या नारायणी से हटा देल गेले ओहि ठमन सर नै त नारायणी के अपनो आइसोलेशन छै 70 टा के बेड त बहुत ठमन छै 50 60 टा बेड तो हटाओल गेले नै ओ अखन तो जोड़ल जा रहल छै कि आइसोलेशन बेड अत्यक छै प्रदेश दू में तै हिसाब से अपने कह रहल अखन नै लेल जा रहल छै ठम अखन ओहि ठम नै लेल जा रहल छै कैपेसिटी तो प्रदेश सरकार के हमरा सब के कैपेसिटी तो छै होते हम सब जेहन आइसोलेशन में जेहन 22 से कहलिए ने अपने तो उ जे छै सो में त नारायणियो जोड़ल छै ओहि में उ जे छै से सिद्धार्थो जोड़ल छै ओहि में त जे छै से अपने के गंडक भी जोड़ल छै अखन त अभाव देखल गेले किछ दिन पहले अपने सब बिरगंज सेहो गेल रहिए ने जहिया ओ किछ समय पहले ने दू गोटे के त अपने बिरगंज सेहो गेल रहिए मुख्यमंत्री जी सेहो गेल रहै व्यवस्थापन के काज बात बात याद अपने के चूंकि जनरल हेल्थ सर्विसेज कोविड के पैंडेमिक है साथ साथ जनरल हेल्थ सर्विस महिला के बच्चा के और भी जे रोग है और भी जे स्वास्थ्य समस्या है जे जनरल पेशेंट ओपीडी में अबे छै या जनरल जे भी स्वास्थ्य समस्या सब छै रोग सब छै ओकरा सब के देखा के लेल भी त चाही तो जहन केस घटले त गंडक से हमरा पूरा भजा ते के लेल सिद्धार्थो नै राख पड़ते अखन आ नारायणी में भी जे छै से फैल देबै नारायणी में से जे कोविड केस आब नै रखबै त जनरल हेल्थ सर्विस के दे सही रहै आब के व्यवस्थापन पर केना कयल जा रहल छै जी आप तो केस बढ़ तो आप क्या कह रहा हूँ ना तो वह बात भले वह बात हम आपने के कई गाल ची जब व्यवस्था ये भले जब वही ठमन माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय सामाजिक विकास मंत्री जी भी रहे सब पार्टी के लोग रहे स्वास्थ्य कर्मी सब रहे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सब सब रहे स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सारा लोग रहे पत्रकार मित्र सब रहे तो ये बात भले डिमांड ये अल एक छोटे अस्पताल जैसे 500 बेड के अस्पताल एक बनाल जाए जैसे कि हमरा सब के रेगुलर हेल्थ सर्विस भी प्रभावित नहीं हुए और जैसे से कहीं बाहर डिपेंडेंट आप प्रश्न ये उठे छले कि 4-5 महीना से प्रदेश सरकार की करे छले ता आप तो बेड़े बनवे के तैयारी भरल छे बेड त तखन त क्राइसिस में काम चल गेले हमरा विचार से तखन क्राइसिस में काम चल गेले एते बड़का जैसे से एते ज्यादा संख्या में आते से जैसे से नहीं रही एक्सपेक्टेशन एते ज्यादा गेस्ट नहीं रही एते ज्यादा केस आते से बात जैसे से नहीं बुझल रहे लोग हम सब भी जे छै से एते केस एते से नहीं सोचने रही रियल बात हमरा जेना पूछा में अभी हम जे बुझी छी मतलब समुदाय में फैलते सीहो बात मतलब सोचने नहीं रही यहां सब कि समुदाय में फैलते आब यन किसी के नौबत आइब सके से के का हां चूंकि जे छै से अइले जे कि जे भी जे छै से केस सब एले अपने अपने के सबसे बड़का प्रमाण छै जे कि जे केस त नंबर केस घटलै और एकर बाद डिस्चार्ज रेट भी काफी नीक भकर जाय वाला क्योर भकर जाय वाला जे छै से सेहो जे छै से बहुत बहुत बढ़ गेलै डिस्चार्ज नीक भकर जाय वाला फटाफट डिस्चार्ज होबे लगलै नीक होबे पड़लै सिम्टम जे छै से बहुत के जे छै से सिम्टम सब नै देखाई देल गेल त सारा चीज रहै त एहन अवस्था में जे छै से बहुत मिनिमम आदमी के जे छै से जहिया ई अहाँ के केस सब घट तहिया तक में 2-3 आदमी से ज्यादा सीरियस पेशेंट नहीं रहे सब जे छै से गुजर जाओ देखी जे आपके आपके बात माइल्ड केसेस रहे तो जना की आपके संख्या बढ़त गया था यह बात है आप यह बात सप्तरी में सप्तरी के राज विराज परसा के बीरगंज में निषेधाज्ञा लागू कैल गेल छै एकटा आवाज यो उठ रहल छै कि आन ठाव में सेहो निषेधाज्ञा लागू कैल जाए अगर जांच अगर होय छै त आन ठाव में सेहो कोविड के संक्रमण समुदाय में फैलल देखल जा सकैए एकटा आशंका कैल जाय छै यद्यपि चेक जांच ओते नै भेल छै कोई भेटला पर चेक जांच हुअ लगै छै अलग बात छै जेना कि धनसा के डुमरिया में भेलै तऽ ओतऽ चेक जांच शुरू भेलै नै तऽ कोई किनको मृत्यु भए जाइ छै तब चेक जांच शुरू होइ छै नै समुदाय में तऽ ओहन चेक जांच तऽ नै भेलै एजऽ तऽ अपने के की लगैए अहाँ सब की एनालिसिस केने छी कि लॉकडाउन केनाइ आवश्यक छै प्रदेश दू में अब ई चीज डिसीजन त केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के बात है लेकिन हमारा विचार नहीं हेल्थ वर्कर के हिसाब से अगर अपने कहो हां वही बात कह लूं अपने सर निर्देशक अपने जी जी हां हमारा विचार से कही एकटा पब्लिक हेल्थ के माने एक्सपर्ट के या हैसियत से हम ही कहब जे कि जे किछ दिन जे छै से लॉकडाउन के से कंटिन्यू केनाई जरूरी हमरो बुझा रहल है
कारण की जे कि अखन बाजार में लॉकडाउन ओवर भ गला के बाद लॉकडाउन खुल गला के बाद में से लोग के मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया छे, एहन में बढ़े के संभावना ज्यादा रहते है। तै दुआरे लॉकडाउन के किस दिन तक और भी जना कि आप उदाहरण छे ऑलरेडी अपने कहबे के लिए जे कि जे जन केस बढ़ गेलै है त वीरगंज महानगर पालिका और राजविराज नगर पालिका में निषेधाज्ञा जारी भेलै है। वास्तविकता यह है कथी लग जारी भेलै है, चूंकि लोग के मूवमेंट कम कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराया जाए, कंट्रोल मूवमेंट रहते है, तो वही से की है कि रोग नहीं फैलते, कोविड नहीं फैलते। तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जे छे से एकदम महत्वपूर्ण चीज छे, जहन खोप नहीं छे, दवाई नहीं छे, और ई जे छे से थूक खखार के छींटा से जे छे से सड़े छे, तो अई के लेल जे छे से डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन केनाय बहुत जरूरी छे, और वही कराबा के लेल लॉकडाउन जे छे से काफी जरूरी छे। तो हमरा विचार से जो या रवैया रहले अहि रेट में यदि बढ़े चल गेलै त जे छे से हमरा नहीं बुझाइए जे कि जे लॉकडाउन क कोनो दोसर उपाय रहते, तो लॉकडाउन करही के पड़तै। साथ साथ जे छे से जना कोई दिन माननीय मंत्री जी सब जे छे से कहलके जे कि जे आइसोलेशन के या आईसीयू के वेंटिलेटर के व्यवस्थापन भी हम सब जे छे से ओहिमे जुट गेल छी, ई सब के व्यवस्थापन में भी जुट गेल छी, चूंकि केस सब जे छे से सिम्टोमेटिक केस सब आब कनी बेसी देखे लगलै, क्रिटिकल केस सब बेसी आबे लगलै, मृत्यु दर सब कनी बढ़े लागल छै, तेहन अवस्था में जे छे से क्वारंटाइन के व्यवस्थापन, आइसोलेशन, आईसीयू के व्यवस्थापन के साथ साथ जे छे से अवस्था देख कर भ सकैया जे कि जे माने प्रदेश सरकार तो सरकार के लेवल से डिसीजन लेवे वाला बात छे, या जे छै से अखन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, तीनों सरकार जे छै से डिसीजन ल सकै छथि अपना अपना ढंग से, जेना राजविराज नगर पालिका लेलकै, जना वीरगंज महानगर पालिका के सरकार लेलकै, तै ढंग से स्थानीय सरकार भी जे छै से अपन अवस्था देख कर डिजीज के ट्रांसमिशन के पैटर्न केहन छै, केना केस बढ़ रहल छै, आदमी के मूवमेंट केहन छै, अइ सब के आधार पर स्थानीय सरकार भी जे छै से अपन डिसीजन क सकैय अवस्था देख कर लॉकडाउन के व्यवस्था। आ पिछला समय में देखल जाए तो मधेश भवन में समेत कोरोना देखल गेले है, नहीं सामाजिक विकास मंत्रालय माथत के किछ कर्मचारी जे सब कार्यरत छे उनका समय किछ में देखल गेले है कोरोना, नहीं तो एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छे? हाँ, माने निश्चित रूप से सामाजिक विकास मंत्रालय के 3 आदमी में कोरोना पॉजिटिव देखल गेले है, उ सब आइसोलेशन में छथि, और रहले बात जे कि जे आउट अपन व्यापक रूप से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सब पहले हो गेल छले, अपनो जे छै कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सब भ रहल छै, तो जखने केस देखाई देतै तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेतै तो केस के लिस्टिंग जे छै से बढ़तै, जांच बढ़तै, और हमरा सब के शुरुए से कहैत आयल छियै तीनू तरह के सरकार, हमू सब बार बार कहैत आयल छियै, एक्सपर्ट के व्यू भी वही छै जे टेस्ट के जे छै से दायरा जे छै से बढ़ा। एकटा प्रश्न यो उठै छै कि प्रदेश दू सरकार मतलब मधेश भवन के समेत बचाव नहीं सकले कोरोना से, नहीं तैयारी केहन केलके है? नहीं, अब इमे तो ई बात है ना, अब इमे जे छै से मधेश भवन सभी ज्यादा जे छै से आदमी के मूवमेंट जे छै से अई बीच में हम पहले कहलूं अपने के जे लॉकडाउन समाप्त भेला के बाद लोग में एक टाइप के ई भेलै फ्रीनेस चलि गेलै जे कि जे आब कोरोना समाप्त भ जेतै, आप कोरोना समाप्त भ जेतै, आप जे छै से कोरोना के कहर आब नहीं रहतै, वहां जेहन कहर छलै तेहन नहीं रहतै, तै दुआरे कनी लोग जे छै से फ्री भ गेलै, कनी माने रिलैक्स भ गेलै, जै के कारण सब मूवमेंट सब बढ़ गेलै, मास्क जते जे छै से अनिवार्य शुरुए से सरकार सब कहैत रहलै, WHO कहैत रहलै, हम प्रदेश सरकार कहैत रहलै जे कि जे भाई मास्क जे छै से नहीं लगा के अहाँ नहीं निकलू, ना मास्क निश्चित रूप से लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करू, 2 मीटर के दूरी जे छै से निश्चित रूप से कायम करू, जहिया लॉकडाउन जे छै से समाप्त कयल गेलै, हटाओल गेलै, तहु समय में एते कहि कऽ हटाएल गेलै जे कि बाहर निकलै छी तऽ अनिवार्य मास्क लगाओ, अहाँ 2 मीटर के दूरी जे छै से कायम करू, लेकिन एहि बात पर तऽ आब समस्या तऽ ई भ गेलै कि आब लक्षण सहित के संक्रमित देखाय लगलै। स्ट्रैटेजिकली अखनो हम कहब रणनीतिगत रूप से जे अखनो जे छै से अहाँ के लॉकडाउन खुलला के बाद बॉर्डर पारी से भी लोग सब काफी
जे छै से लुका छपा के आबि के सीधा घर में चल गेलै, एकटा बढ़क के कारण ओहो भ गेलै। एकर बाद लॉकडाउन के बाद जे छै आदमी रिलैक्स भ गेलै, तऽ तै दुआरे हरेक पहलू कोनो एकटा बात नै छै जे एकटा इहे चीज करबै तऽ सारा जे छै से कोरोना के कार समाप्त भ जेतै। एकर सारा प्रोसेस छै, हरेक जगह से हरेक जे छै से तरीका सब लगा के एकरा विविध जे छै से तरीका सब लगा के से एकरा जे छै से कंट्रोल कयल जा सकैया। जेना बॉर्डर के एकदम टाइट जे छै से राखी के पड़तै, एकरा कंटिन्यू करही के पड़तै, उमहर से जे लोग अबै छै एकर बाद ओकरा अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में 14 दिन राखी के पड़तै। एकर बाद जे धनुषा के डुमरिया जे धनुषा के डुमरिया में जे एक गोटे के मृत्यु भेलै कोरोना के कारण से, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काज सब केना भेलै, सब संपन्न भ चुकलै? बढ़ल छै कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम सब भेलै, स्वाबो कलेक्शन भेलै, रिपोर्ट एखनो नै आयल छै। रिपोर्ट आबि रहल छै अपना सबके प्रादेशिक जे जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छै ओतय सँ रिपोर्ट सब आबि रहल छै। एकटा ई देखल गेलै प्रदेश दू मे, जेना अखन के बात करी तऽ 56,847 टा PCR टेस्ट कयल गेल छै, ताहिमे 2,521 गोटे के स्वाब के नतीजा आब एखनो बाकी छै आइ के डेट मे कहल जाय तऽ विलम्ब किया भऽ रहल छै? ओतेक प्रयोगशाला सब स्थापना कयल गेलै, ठाम ठाम PCR सब जड़ान कयल गेलै यऽ नहि, तऽ तैयो रिजल्ट समय मे नहि अबै छै, तऽ इहो कारण सँ तऽ स्वाभाविक छै नहि? आब भऽ सकै हुनका कोरोना लागल होय ओहि व्यक्ति सबमे जिनका सब रिपोर्ट अखन नहि आयल छै, तऽ ओ तऽ आओर संक्रमण फैला सकैया, तऽ एहि दिस किया नहि अहाँ सब कंट्रोल करऽ सकि रहल छी कि जल्दी रिपोर्ट? निश्चित हम सब जे छै से काफी प्रयास मे छी, पहिले जते संख्या मे छलैया नतीजा औना बाकी जते छलैया तऽ ताहिसँ जे छै से अखन बहुत कम लैया। हम सब जे छै से जगह जगह जे छै से एहिसँ पहिलहु जे छै से जहिया ई जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला फेर सँ री स्टाब्लिश कयल गेलै ओहिसँ पहिले सैंपल सब विविध जगह पर जाइ छलैया, अपनेके ईडीसीडी में जाइ छलियै, ईडीसीडी भी अन्य प्रयोगशाला सबमे जे छै से पठबै छलैया, तऽ ओम्हर सँ जे छै से रिपोर्ट सब आबऽ मे काफी समय लगै छलैया जे छै से ओहू समय के जे छै से रिपोर्ट सब जे छै से अखनो नहि आयल, ताहि दिन संख्या बेसी देखाई दऽ रहल अछि, तऽ हमसब अखनो जे छै से ओ सैंपल सबके जे बाकी नतीजा आबऽ के बाकी छै ओकरा सबके अखनो हमसब जे छै से खोजी नीति कऽ रहल छी, ओहि अनुसार सँ जे छै से ओ संख्या बेसी देखाई दऽ रहल छै। अखन जे स्वाब कलेक्शन सब भऽ रहल छै ओहिमे जे छै से अखन ओतेक समयो नहि लगै छै, ओ पहिलके जे छै से आबके तैयारी की छै? आब जेनाकि अखन तऽ समुदाय मे देखल गेलै नहि कोरोना, तऽ समुदायमे देखल गेलै यऽ, तऽ अपने सबके स्ट्रैटेजी की छै? एकटा तऽ ई आनल गेल छै कि एक घर एक टेस्ट नहि, सेहो एकटा आनल गेल छै, तऽ प्रदेश दूके स्ट्रैटेजी की छै कि केओ व्यक्ति मरि जेतै ताहिके बाद मात्रे कोरोना टेस्ट कयल जेतै, ताहिके बाद मास टेस्टिंग कयल जेतै, से स्ट्रैटेजी छै, या ओहिसँ पहिले मास टेस्टिंग करी से स्ट्रैटेजी छै, की छै स्ट्रैटेजी? पहिले वएह कहऽ लागल छलहुँ स्ट्रैटेजी ई छै, क्लियर कट स्ट्रैटेजी छै, बाहर से क्यों अबै छथि तो हुनका जे छै से क्वारंटाइन में राखल जाए, नंबर एक। नंबर दू, 5 दिन क्वारंटाइन में रहला के बाद अनिवार्य से PCR टेस्ट कयल जाए, माने स्वाब कलेक्शन कयल जाए, स्वाब के नतीजा जल्दी जतेक जल्दी आवे ओतेक बढ़िया, ई इंस्ट्रक्शन सब जे छै से फॉलो कयल जाए, और जे नेगेटिव अबै छै पुनः एक हफ्ता मिनिमम क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन में रह के लेल निर्देशन देल जाइ छै, और जनस्तर से सहयोग चाही, ओहिमे जे छै से जनस्तर सँ पहिलहु बढ़िआँ सहयोग भेल छै, केओ भी बाहर सँ अबै छलै, ई नुका छपा के जे बॉर्डर पर अबै छै ने, ई बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात छै, ई बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात छै। अखनो हम जे छै से अपने के टेलीविजन के मार्फत सभी हम रिक्वेस्ट करऽ चाहब, संपूर्ण स्थानीय सरकार के प्रमुख सब, ओहिठाम के जनप्रतिनिधि सब, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, बहुत बढ़िया सहयोग केलखिन, बहुत धन्यवाद देबऽ चाहै छी, और एकरा कंटिन्यू भी करऽ पड़तै। अखनो यदि बाहर से केओ अबैये समुदाय में तो हुनका 14 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन में राखि के, 5 दिन क्वारंटाइन में रहला के बाद अनिवार्य जे छै से स्वाब कलेक्शन करऽ के पड़लै, रिपोर्ट जल्दी से मंगाबऽ पड़लै, ओहि रिपोर्ट के साथ पॉजिटिव अबै छै तऽ आइसोलेशन में पठाबऽ पड़लै, नेगेटिव अबै छै एक हफ्ता के लेल होम क्वारंटाइन में पठाबऽ पड़लै, ई प्रोसेस छै। दोसर बात, पॉजिटिव आबि गेला के बाद में प्रोसेस वह छै जे WHO के गाइडलाइन अनुसार छै जे अहाँ के जे भी पॉजिटिव केस अबै छै ओकरा सब के केस के इन्वेस्टिगेशन कयल जाइ छै, ओ केकरा के संपर्क में गेल छथि हुनका सब के लिस्टिंग तैयार करके, ओकरा सब के स्वाब कलेक्शन करके,
और पुनः जे छै से स्वाब कलेक्शन के नतीजा के आधार पर मैनेजमेंट आब जे आब अंधांधिसियो चलि रहल छियै यदि 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 जे छै से सीरियस पेशेंट अभी छै तो ओकरा लेल जे छै से वेंटिलेटर के और भी व्यवस्था करय के आईसीयू के और भी व्यवस्था करय के तो वही में वही कह रहल छियै कि आब आब तो की भ गेलै कि पहले लक्षण नै लगै लक्षण कोनो नै रहै छलै कोरोना रहै छलै शरीर में जांच करै छलै कोरोना रहै छलै लगै लक्षण नै रहै छलै ने लेकिन आब तो एकटा चुनौतीपूर्ण अवस्था चलि एलै जोखिम बढ़ि गेलै कियाकि लक्षण सहित के आबि रहल छै तऽ एहन अवस्था मे इहो देखल गेलै कि वेंटिलेटर के अभाव सँ जनकपुरे के बात करी तऽ वेंटिलेटर दुइटा जमा वेंटिलेटर छै दूटा बिगड़ले छै एहन अवस्था छै पेशेंट के लऽ जाइत कला रास्ता में मृत्यु भऽ गेलै तेहन अवस्था सृजना भेलै तऽ कतौ ने कतौ आब जे लक्षण सहित के जे संक्रमित आबि रहल छै तऽ स्वाभाविक छै कि अगर क्रिटिकल अवस्था अयला पर वेंटिलेटर चाही जे प्रदेश दू मे बहुत कम वेंटिलेटर छै सिर्फ 9 वेंटिलेटर छै प्रदेश दू मे तऽ एहन अवस्था मे तैयारी किया नहि देखल गेलै प्रदेश दू के ओहि अनुसार के पहले किया नहि सोचल गेलै कि एहन अवस्था आबि सकै छै तैयारी जे छै से प्रदेश सरकार नहि कलकी से बात नहि छै टेक्निकल प्रॉब्लम प्रदेश सरकार जे छै से निर्णय कऽ कऽ जे छै से अपने के प्रादेशिक जे माने निर्देशक समिति छै माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में संयोजकत्व में माने सरकार जे छै प्रदेश के सरकार निर्णय कऽ कऽ से जे छै से रकम प्रशस्त रकम जे छै से छुटिया कऽ राखल गेलै देलो गेलै टेंडरो कयल गेलै सूचना निकालल गेलै 30 वेंटिलेटर के लिए लेकिन क्यों जे छै से टेंडर बिड नहि कयल समस्या ओतऽ भऽ गेलै ई टेक्निकल प्रॉब्लम भऽ गेलै क्यों बिड नहि कयलकै नहि तऽ जे छै से अखन 30 वेंटिलेटर तऽ उपलब्ध रहती भऽ गेल प्रदेश सरकार तऽ जे छै से अपने के 2 पहिले रही सूचना जारी करे लेकिन नहीं आबि सकलै तऽ रहलै बात कथी तथापि जे अपने कहली नॉट आबि अखन के अवस्था की छै अखन के अवस्था की छै अखन जे छै से हम अखनो कहि रहल छी जे प्रदेश सरकार अखनो जे छै से माने वेंटिलेटर प्रदेश में नहि छै से बात नहि छै प्रदेश में वेंटिलेटर छै अखन के समय में सरकारी जे छै से निकाय करते से बात नहीं छै अखन तक सरकारी गैर सरकारी निजी सबके जे छै काम करय के छै मेडिकल कॉलेज छै अपने के नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज ओतय 25 वेंटिलेटर छै निजी निजी जोड़े तो कोऑर्डिनेशन करय पड़ले हुनका सबके तो विश्वास में लिए पड़ले यावत बात सब भ सके छै ने तो ओहो प्रक्रिया शुरू नै भेल छै हां हां भ रहल छै तो ओहि के लेल जे छै से बातचीत आगा बढ़ रहल छै वेंटिलेटर के जाते और केंद्र सरकार से भी डिमांड कयल गेल छै वेंटिलेटर आदि के लेल तो ओहि के लेल जे छै से प्रदेश सरकार के प्राइम फोकस पहिल प्राथमिकता जे छै से वेंटिलेटर और आईसीयू आइसोलेशन ये 3 चीज के जे छै से एक नंबर के प्राथमिकता राखि कऽ अखन प्रदेश सरकार काज कर रहल छै और हमहुँ सब से सपोर्टे लागल छी और माने वहन क्राइसिस नहीं आवे आ यदि तेहन पड़ जाते तो प्रदेश सरकार माने जे प्राइवेट संस्था के जे वेंटिलेटर छै या मेडिकल कॉलेज के जे वेंटिलेटर छै ओहु के जे छै से यूज के छै तेहन अवस्था छै जी जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दर्शक बिंद ओ छलेत विजय कुमार झा प्रदेश नंबर 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय के सह निर्देशक आइ हुनका सब बातचीत करै छलियै जे प्रदेश नंबर 2 में कोरोना के संक्रमण बढ़त गेल छै कियाकि समुदाय में कोरोना देखल गेल जाहिसँ जोखिम बढ़ि गेल संक्रमण के लॉकडाउन कयल जाय या नहीं कयल जाय हुनकर एकटा धारणा ई अलै कि लॉकडाउन आवश्यक छै लॉकडाउन जरूरी छै से हुनकर धारणा छै यद्यपि सरकार से निर्णय करय बाकी छै कि प्रदेश 2 में लॉकडाउन कयल जाय या नहीं कयल जाय जो जाँच के बात करी तऽ जाँच के प्रक्रिया के बात करी तऽ वेंटिलेटर के राखक बात एहि सबके लेल कऽ रहल छै लेकिन संभव नहि भ रहल छै हुनकर टेक्निकल प्रॉब्लम छै ताहि कारण सँ वेंटिलेटर सब जड़ान होवऽ नहि सकि रहल छै से हुनकर कथन रहलै यावत विषय में बातचीत करै छलियै बेस्त नमस्कार